वेल फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंटिन्यू करूं उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि मैं कोई भी एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूं, साथ ही साथ मेरी आवाज़ कुछ उतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस वीडियो को जस्ट प्ले करने के बाद ही कुछ लोग कमेंट कर डालेंगे और बोलेंगे कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो हम अपनी आवाज़ तुम्हारी जैसी क्यों बनाना चाहें, तुम ये वीडियो क्यों बना रहे हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले मैंने डिस्क्लेमर दे दी। इसके बावजूद भी अगर आप हमारी वीडियोज़ को कंटिन्यू वॉच करते हो और आप जानना चाहते हो कि मैं अपनी आवाज़ को कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, एडिट करता हूँ और अपनी आवाज़ को कैसे लास्टली पब्लिक करता हूँ, तो फिर इस वीडियो को आप पूरा कंटिन्यू देख सकते हैं। मैं आपको पूरी जर्नी बताऊंगा कि मैं अपने आवाज़ को कैसे रिकॉर्ड करता हूं, एडिट करता हूं एंड देन पोस्ट करता हूं। तो वीडियो में बने रहना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा शेयर कर देना। चलो भाई लोग, स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं करता क्या हूँ, अपना माइक्रोफोन उठाता हूँ और माइक्रोफोन उठाने के बाद उसको अच्छे से सेट करता हूँ। एंड ये माइक्रोफोन है अपना फिफिन का K669B डायनेमिक माइक्रोफोन। इसके बारे में अगर आपको डिटेल रिव्यू चाहिए, कितना प्राइस मुझे पड़ा, कैसे कनेक्ट करना एंड ऑल चीज़ें, तो फिर कमेंट कर दो। और एक और वीडियो इस पर मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, स्टैंड में लगाने के बाद मैं सबसे पहले अपना शूटिंग लोकेशन को देखता हूँ एंड देन उस जगह स्टैंड को लगाकर माइक्रोफोन को अच्छे से कनेक्ट करता हूँ अपनी ऑडासिटी पर, अपने लैपटॉप पर। लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन साथ साथ कितना प्राइस पड़ा, कैसे मैंने परचेज किया, इसके बारे में जानना है तो फिर डिस्क्रिप्शन लिंक आपको ऑलरेडी दी गई है। और फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों, रिकॉर्डिंग कैसे करना है, सिंक कैसे किया जाता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को देख लो। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दो, इस पर भी वीडियो आ जाएगी। अब मैं मोबाइल फ़ोन को आगे रख देता हूँ और वॉइस को रिकॉर्ड कर लेता हूँ एक साथ, और रिकॉर्ड करने के बाद ऑडासिटी में इसे एडिट करता हूँ। ऑडासिटी में एडिटिंग के दौरान मैं क्या कुछ करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कुछ वीडियोज़ में, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं ऑडियो को एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इसे इंपोर्ट करता हूँ एंड देन सिंक्रोनाइज करके एक्सपोर्ट कर देता हूँ वीडियो को एडिटिंग के बाद। एंड दैट्स इट, यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद फिर आप देखते हैं और इन्जॉय करते हैं और फिर जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी आवाज़ हुई कैसे। बाकी ये थी टेक्निकल चीज़ें मैं कैसे करता हूँ। अब बात करते हैं कुछ नेचुरल चीज़ों के ऊपर कि क्या इस पर नेचुरल डिपेंड है या फिर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, थंबनेल आपको पता चल ही रहा होगा। इस वीडियो में मैंने डिटेल में समझा रखा है कि कैसे आपकी आवाज़ परफेक्ट होगी, क्या होगी क्या नहीं, आपको नेचुरल। मैं वो सारी चीज़ें कुछ चीज़ें रिपीट कर देता हूँ, बाकी डेडिकेटेड वीडियो है तो देखना मस्ट है भाई साहब, ठीक है। तो आपको रियाज करना पड़ेगा, साथ ही साथ आप वॉइस ओवर करने की कोशिश कीजिए, आप अलग अलग टोन में बोलने की कोशिश कीजिए, आप अपनी आवाज़ को कभी मोटा कीजिए कभी पतला कीजिए, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे आप कर सकते हैं अपनी नेचुरल वॉइस पर, पीच को डाउन अप कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ये सब चीज़ करने के बाद आप ट्राई कीजिए, एडिट कीजिए, कोशिश कीजिए, खुद सुनिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, ईयरफोन हेडफोन लगा के खुद सुनिए, समझिए कि क्या जो मैं कर रहा हूँ क्या ये परफेक्ट है, क्या ये पहले से परफेक्ट है या फिर अभी जो मैं बनाया हूँ ये इससे परफेक्ट है। कंपेयर खुद करना है, खुद समझना है एंड देन धीरे धीरे आप पब्लिक करते जाइए, क्योंकि आप जब तक करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंसेस से आती हैं एंड आप काम करते रहना है, करते रहने से आती है। उम्मीद करूँगा छोटी सी वीडियो थी पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो भाई साहब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।